है कहाँ पे? ऊपर से हमें गए, ऊपर से नीचे वाले को बैठा गाड़ी एक दुखद घटना है जी। और जो एक पुरानी बिल्डिंग थी आपके सामने है, देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग एक निर्माणाधीन भवन पर गिर गई है जी। कोई सूचना भी आसपास के लोगों से अपुष्ट सूचनाएं मिल रही हैं कि कितने परिवार अंदर हैं। आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी, पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ की टीमें आ चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से भवन गिरा है इस पर तुरंत किसी भी सूचना का अभाव के अंदर किसी भी स्तर पर पहुंचना मुश्किल है। अभी कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं मिल रहा है, जीवन का कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि कोई जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति या घायल व्यक्ति के अंदर से कोई चीख पुकार नहीं मिल पा रही है। खोजी कुत्तों की मदद से ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई जीवन अंदर है तो एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। लगभग 12 एम्बुलेंसेज जिलाधिकारी महोदय प्रशासन ने तैयार कर रखी है। सभी आसपास के अस्पतालों को सचेत कर दिया गया है, प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों, घायलों की संख्या को न जानते हुए उनके इंतजाम की, इलाज के इंतजाम की तैयारियां की जा रही हैं। और इस घटना की जांच के विषय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं, घटना की जांच होगी। लेकिन प्रथम चरण में हमारी तैयारी इस बात पर है कि किसी तरह से अगर कोई घायल या जीवन अगर अंदर है तो उसको किस तरह से बचाया जाए, दोषी कौन लोग, यह विषय बात का है। हालांकि उस पर भी पुलिस अपने तरीके से अलग से कार्रवाई कर रही है, उनके जो मालिक हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि या किसी कितने लोग अंदर हैं, यह बात के अंदर का विषय है। पहला विषय यह है कि हम ये देखें कि अंदर अगर कोई घायल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस स्थिति के अंदर बचाव कार्य जारी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। रोशनी वगैरह का सारा इंतजाम हो गया है, थोड़ा प्रशासनिक अमला और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से अलर्ट है और वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है, नक्शे की जमीन ये बिल्डिंग खड़ी करी गई थी, तहसील से कोई नक्शा पास नहीं था और तहसीलदारों की मिलीभगत से ही सब हुआ था और प्राधिकरण लगातार इसकी मकानों की रजिस्ट्री कर रहा था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय अभी मेरा ख्याल है हम इन विषयों पर अभी बात में बात करेंगे। प्रथम चरण में जो घायल लोग हैं उन पर ये हमारा सारा ताकत इस बात पर लगेगी कि अगर कोई घायल जीवन अंदर है या कुछ और लोग ऐसे फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने का प्रयास किया। सर, कुछ होता है तभी हम बात करते हैं, इसके पहले तो बात हुई नहीं, तो आखिर ये बात होनी चाहिए। नीचे कर ले तरीके से, इस इलाके में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो बन रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और आगे से ऐसे निर्माण रोके जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सारे प्रशासन मसले को उन्होंने आगाह कर दिया है कि ऐसी जांचें तो कल से शुरुआत हो ही जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या स्थिति है, इनके नक्शे पास है या नहीं है, ये सभी स्थिति सवेरे ही पता चल पाएगी। अभी पूरी ताकत इस बात पर लगाई जा रही है कि घायलों को अगर कोई है तो उन पर बचाए। थैंक यू।